गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज असी करांगे शॉर्ट नोट तुहाडे सब तो पहला प्रश्न हुंदा है पेपर दे विच शॉर्ट नोट्स का जिहदे विच तुहानू 15 शॉर्ट नोट दित्ते हुंदे हन जिन्हां दे विचों कोई तुसीं 9 जिहड़े शॉर्ट नोट आ ओह अटैम्प्ट करने हुंदे हन जिन्हां दा उत्तर तुसीं 25 तों 30 शब्दां दे विच देना हुंदा है जिस ते 18 मार्क्स हुंदे हन। ये प्रश्न जिहड़ा कंपलसरी हुंदा है। सो अज असी जिहड़े जिन्ने लैसन हुण तक असी कर चुके हाँ असी उन्हां दे हुण अपने आने वाले लैक्चर्स के शॉर्ट नोट डिस्कस करांगे। सब तो पहला असी तुहाडे थर्ड लैसन दे शॉर्ट नोट डिस्कस करते हैं जिहड़ा जिसका नाम है संसदी सरकार का उत्थान। सब तो पहला जिहड़ा शॉर्ट नोट तुहाडा बनता है वह है गौरवमय क्रांति कदों आई सी अते इंग्लैंड विच किस उस समय किस तरह राज सी। गौरवमय क्रांति जिहड़ी सीगी तुहानू पता जिहड़े असीं लैसन दे विच कीता 1688 ईस्वी दे विच आई सी। ये तुसीं सिर्फ डेट नहीं लिखनी तुसीं पूरा लिखना है कि गौरवमय क्रांति 1688 ईस्वी दे विच आई सी। उस वक्त इंग्लैंड दे विच जेम्स दूजे का राज सी। जेम्स दूजा क्योंकि जो तुम उन्होंने ये भी कंडीशन रखी है कि थोड़ा उत्तर 25 तों 30 शब्दों के होना चाहिए है। जो तुम दो ही शब्द लिखते हैं तो फिर इस शब्दों की गिनती घट जाती है। सो तुम दो लाइनों के अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। अगला थोड़ा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस गौरवमय क्रांति ये नाम क्यों दिता गया जा इसनों गौरवमय क्रांति के नाम के नाल क्यों जाने जाता है। इस क्रांति गौरवमय क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह खून रहित क्रांति सी। इस दे विच एक खून का एक तुक्का तक भी नहीं सी वेहा अते ए लोकां दी इच्छा दे उत्ते आधारित क्रांति सी। साडा नैक्सट क्वेश्चन है किहड़े एक्ट नूं जेम्स दूजे वल्लों भाव 1688 ईस्वी की क्रांति के समय जिहड़ा राजा सी उस वल्लों रद्द कीता गया सी जिहड़ा कि इंग्लैंड 1688 ईस्वी की गौरवमय क्रांति का कारण बनया सी। वो सी टेस्ट एक्ट। इस एक्ट नूं जेम्स दूजे ने रद्द कर दिता सी। इस एक्ट नूं रद्द दा की मीनिंग सी इस एक्ट दे अकॉर्डिंग जिहड़ा कोई भी कैथोलिक वर्ग का कैथोलिक धर्म का न्याय हुंदा सी उसनों किसी उच्चे सरकारी अहदे ते नहीं सी लगाया जाता किसी धार्मिक उच्चे धार्मिक अहदे ते नहीं सी लगाया जाता क्योंकि जेम्स दूजा सी जिहड़ा हर तरीके दे नाल कैथोलिक वर्ग के लोगों को उपर उठाना चाहता सी। सो इस तरह करके वो अपना हर हुंदा जतन कर रहा सी तां कि कैथोलिक वर्ग के लोगों के जिहड़ियां लगियां हुईयां रोकां उन्होंने वो खत्म कर सके। सो उसने सब तो पहला टेस्ट एक्ट नूं रद्द कीता तां कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये की सी भी तुहाडा नैक्सट क्वेश्चन यही बनता कि टेस्ट एक्ट कदों पास होया सी जिहड़ा ये एक्ट सीगा ये 1673 ईस्वी के पास हो गया सी। 1688 ईस्वी के जेम्स दूजे द्वारा इसनों रद्द करता गया सी। इस एक्ट की सी नैक्सट क्वेश्चन आ कि ये अकॉर्डिंग किसी भी कैथोलिक वर्ग धर्म के अन्याय में सरकारी अहदे ते नहीं जां उच्चे धार्मिक अहदे ते जिहड़ा उह पद नहीं नियुक्त किया जाता सी। इंग्लैंड के शासक जेम्स दूजे विरुद्ध लोगों के भड़कण के कोई कारण दसो। दो कारण दिस रहे हैं जिमें कि उसका सब तो पहला आप एक यही दस रहे कि उसने टेस्ट एक्ट को रद्द कर दिता सी भाव जिहड़ियां कैथोलिक धर्म के न्यायां ते रोकां लगियां होईयां सी उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की सी। जेम्स दूजा अपने विरोधियों ते बहुत अत्याचार करता सी। जेम्स दूजे ने अपने विरोधी ड्यूक ऑफ मॉनमथ अते ड्यूक ऑफ आर्गल उन्हां दे साथियों समेत जिहड़ी फांसी की सज़ा सुना दी सी फांसी की सज़ा दे दी सी। नैक्सट क्वेश्चन आ साडा जेम्स दूजे ने यूनीवर्सिटियां दे विच कीवें दखल कीता दिता सीगा जिहड़ा कि 1688 ईस्वी की क्रांति का कारण साबित होया सी। उह क्वेश्चन आंसर है कि उसने जे कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी के वीसी वाइस चांसलर इस करके उसके अहदे तो हटा दिता सी क्योंकि उसने एक कैथोलिक साधु
डिग्री देने तो इनकार कर दिता से क्योंकि वह कैथोलिक धर्म के बंदे डिग्री नहीं सी क्योंकि यह सारी गल वैसे आप जे आप जैनुअली सोचिए कि कैथोलिक धर्म ज किसी भी व्यक्ति को डिग्री दी जा सकती है बट उस वक्त जरा इंग्लैंड के कानून से बड़े कट्टर से धर्म को लैके बड़े कट्टर से सो जो वाइस चांसलर ने कैथोलिक धर्म के साधु को डिग्री देने तो इनकार कर दिता तो उसने बी सी उसके अहदे तो हटा दिता से इस यूनीवर्सिटी के दखल मनिया से जिस करके 1688 ईस्वी की क्रांति आई सी। उस तो धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा तो ही भाव है धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा जेम्स दूजे ने की थी। इस तो की मतलब से उसने धार्मिक तौर पर जो कैथोलिक घोषणा करते सारे स्वतंत्र शब्द का इक्वल व्यवहार किया जाएगा बट उस वक्त कैथोलिक लोगों पर रोक लगे हुई सी कैथोलिक लोगों रोक लगिया से सारिया हटा दतिया जिस करके जी उसने यह धार्मिक घोषणा जी सी की सी। उस तो बाद जेम्स दूजे के घर पुत्र का जन्म होना किमें 1688 ईस्वी की क्रांति का कारण बनया सी जेम्स दूजा जड़ा सी उस वक्त तो लोगों पर बड़े अत्याचार करता सी जां उस वक्त तो उसको बड़ा कट्टर मनिया जाता सी लोगों को यह लगता सी कि जेम्स दूजे के घर कोई पुत्र नहीं आ जेम्स दूजे की मौत तो बाद लोग उसके अत्याचारों तो आजाद हो जाएंगे बट जो लास्ट समय के जेम्स दूजे के घर पुत्र पैदा हो गया तो लोग भड़क उठे क्योंकि उन्होंने लगता सीगा कि उसका पुत्र भी जेम्स दूजे की तरह ही अत्याचारी होगा जिस करके जिहड़ा सी लोगों ने उसके खिलाफ क्रांति कर दी उसकी राजगद्दी सी जिहड़ी ओह उसने पुत्र अते उसके जवाई नूं दे दित्ती सी। सो इह सी शॉर्ट नोट जिहड़े इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट इस ते इस लैसन के बाकी के शॉर्ट नोट असीं अपने नैक्सट लैक्चर के डिस्कस करांगे। थैंक्स।